में लगाई रोक हटा दी गई है। 75,000 पीपीई किट का टेंडर हुआ था जिसमें से 25,000 किट की सप्लाई हो चुकी है। शेष 50,000 किट की सप्लाई का रास्ता खुल गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने पीपीई किट पर 2 दिन की रोक लगाई है जिसे हटा दिया गया है। रोका था और उसके बाद में वो दो कंपनियों के सामान को पूरा वापस मंगा दिया है और सामान को वापस मंगा के उनका कहना है कि क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे 5% टेस्ट रिजल्ट आया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि 70% हमको अच्छा मिला, तो अंतर आ रहा है इस बात में। इस कारण से हम पूरे को वापस बुला दे रहे हैं और हम चाइना को भेज दे रहे हैं। हाँ जी, आईसीएमआर के द्वारा जो किट सप्लाई की गई थी उसके संदर्भ में रोक लगाई गई थी, उस समय आईसीएमआर के द्वारा 2 दिनों के लिए रोक लगा दी गई थी और 2 दिनों के पश्चात उस समय आईसीएमआर के द्वारा जो है ये स्पष्ट राय दे दी गई कि चीन से खरीदे हुए जो है वो मानक के अनुसार नहीं पाए गए हैं और उन्हें वापस किया जाए करके, तो उसके अनुसार राज्य शासन ने कार्रवाई कर ली है और राज्य शासन को जो साउथ कोरिया से जो किट प्राप्त हुआ है उसके संदर्भ में उनका ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है। और हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि आरडी किट का इस्तेमाल केवल और केवल सर्विलेंस के लिए किया जा रहा है, रोग की पहचान या डायग्नोसिस के लिए नहीं किया जा रहा।